फिर हम ना इधर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे। ओह यार, सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, आते ही झगड़ा भाई, सीन हो गया। मेरा तो बोलता है यार, जो कॉलेज में हो रहा है वो उसका गलती है ना भाई। एक उल्लू का पट्टा, आजा लगा दे आजा। क्या ही जबरदस्त गेट बनाया ना भाई, ये चेक कर। किसी को दूध पीना है क्या? अरे बाबा। So guys, welcome back to the channel and welcome back to the another vlog. So guys, यार आज मैंने सुबह स्टोरी लगाया कि यार कंटेंट का कमी हो गया है, कोई कंटेंट नहीं है, इसी वजह से Q&A बनाने के लिए जा रहा था। लेकिन गाइस, शायद भगवान ने भी सुन लिया एंड मेरे को एक बढ़िया जबरदस्त कंटेंट मिल चुका है। अभी मैं वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। जैसे कि मैंने स्टोरी पे बोला था, सर्दी मेरे को कुछ ज्यादा ही प्यार करता है तो जल्दी पकड़ लेता है। सो राइडिंग जैकेट पहन के ही चला जाऊंगा यार। एंड कहाँ पे जाने वाला हूँ? मैं जाने वाला हूँ यार कॉलेज में, सुकांत महाविद्यालय, जहाँ पे मैं पहले पढ़ता था। सुना है कुछ प्रोग्राम है, बाकी यार हाथ में उतना ज्यादा टाइम भी नहीं है क्योंकि अभी बज रहा है 3:29। 4:30 बजे तक शायद प्रोग्राम रहेगा, 1 घंटे के बीच में जाके थोड़ा सा घूम के आप लोग को भी दिखाऊंगा। एंड इसके बाद गाइस, जो मैंने बोला था देसी ब्लॉग, देसी सुन के यार सभी यस 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 वोट दे रहे, तो वो वाला ब्लॉग भी आएगा। देन उसके बाद आएगा Q&A वाला वीडियो। Q&A वाला वीडियो के लिए आप लोग जितना मर्जी जो मर्जी क्वेश्चन कर सकते हो, इंस्टा में है, फेसबुक में है, पोस्ट व्हाट्सएप में है, हर जगह यूट्यूब में भी पोस्ट है, कुछ भी एक जगह पे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके फ्रेंड गाइस, आई एम ऑलमोस्ट रेडी, कोई निकलने वाला हूँ। ये रहा अपना मशीन गाइस, बहुत दिनों से घर पे पड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो चुका है, धुलवाना पड़ेगा। चलिए फिर निकलते हैं एंड मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। सो फाइनली गाइस, मैं निकल चुका हूँ अपने डेस्टिनेशन के लिए एंड एग्जैक्ट 2.1 किलोमीटर चलाने के बाद पर यार मोटो ब्लॉग कर रहा है। अभी अपना देव भैया भी कॉल किया, फोन करके बोल रहे हैं कि भाई मैं भी गोरखाटा में हूँ, आ जाओ जल्दी एक साथ चलते हैं। ओह माय गॉड, इतने सारे पुलिस गाइस। तो पहुंच चुका हूँ गाइस गोरखाटा में, अभी भाई इधर ही कहीं पे हो सकता है, कॉल करना पड़ेगा। फाइनली गाइस, यार्स और देव भैया, आज का ना प्लान इतना ज्यादा सडन बना, मैं बस घर में बैठा ही था, सोच रहा था कि खाना पीना करके नहा के गांव का देसी ब्लॉग बना दूंगा। सडनली मेरे पास एक कॉल आया, देन पता चला कि उगड़ी कॉलेज में चल रहा है सोशल प्रोग्राम। उसके बाद मैं जब आ रहा था देन देव भैया कॉल किया एंड अभी हम दोनों मिलके जा रहे हैं। यार सूरज मामा अभी तक ढला नहीं और हाथ में ठंडा लगना चालू हो गया है, और अभी आपको ये बात सुन के शायद लग रहा है ग्लव्स तो यहाँ पे घुसा के रखा है तो पहन क्यों नहीं लेते। यार अगर मैं ग्लव्स लगा लूं तो भाई मेरा मोबाइल है, मेरा गोप्रो नहीं है भाई, तो मैं फोन में स्क्रीन लॉक नहीं खोल पाऊंगा, वीडियो ऑन भी नहीं कर पाऊंगा, बाकी घर जाते वक्त पहन लूंगा, इसी वजह से मैंने लाया है इसको। अभी ऑलमोस्ट धूपगढ़ी पहुंच चुके हैं एंड अभी हम लोग को लेना पड़ेगा इधर से लेफ्ट साइड कॉलेज रोड के लिए। धूपगढ़ी कॉलेज का ना एक सीन है, यहाँ पे प्रोग्राम ज्यादा रात तक नहीं होता, एक साइड से अच्छा भी है क्योंकि लोग यार रात होते होते सब अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, और एक साइड से बुरा भी है, बहुत को यार थोड़ा सा लेट करके जो आते हैं वो एंजॉय नहीं कर पाते, सभी लोग वापस जा रहे हैं। अरे बाब, आई थिंक गाइस शो एंड इट, दैट्स व्हाई सभी लोग वापस जा रहे हैं। वो चल रहे तो भाई शायद इनका घर दूर में है इसीलिए वापस जा रहा है। कॉलेज के अंदर भी बहुत सारा बाइक है तो कहाँ ही रखे, पार्किंग का जगह ढूंढते तो प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। भाई साहब इतना ज्यादा भयंकर भीड़ लगा था, थोड़ी देर पहले अगर पहुंच जाते ना भाई खतरनाक सीन होता है यहाँ पे। सारा बाइक में रखने से ना गाइस एक ही दिक्कत होता है यार, कोई निकाल नहीं पाने से साला ठोक देता है चूतिया लोग। चलो जल्दी से जाते हैं, जल्दी प्रोग्राम देखते हैं नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो हेलमेट खोलते एंड चलते सीधा अंदर गाइस। आते ही झगड़ा भाई, सीन हो गया पूरा भाई। पर किसी के बाप का तो कॉलेज है नहीं भाई, कोई वो लोग ही झगड़ा कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं। अरे भाई इतना ज्यादा भीड़ था ये जगह पे, तो ये सब तो वीडियो अलाउड ही है ना भाई, ये सब तो कर सकता है ना ये सब। हम लोग पहुंच
चुके थे कॉलेज ग्राउंड पे और यहाँ पे प्रोग्राम जबरदस्त हो रहा था, भाई डांस कर रहा था, तो ही प्रोग्राम शायद खत्म हो गया। एंड आके एक सीन देखने के लिए मिला था गाइस, मैं बस वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था एंड मैं इसको अपलोड नहीं करता गाइस, लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ भी सीन किया ना भाई, अभी मैं अपलोड करने वाला हूँ ठीक है। मेरे को क्यों बोलता है यार, जो कॉलेज में हो रहा है वो उसका गलती है ना भाई, वो लोग आके भाई क्यों कर रहे वीडियो भाई, हम तो गुस्सा था, हमको पता नहीं था भाई ऐसा सीन है, हम प्रोग्राम से जा रहा था लेकिन ऐसा कुछ बोला गया था, तो इसी वजह से अपन अपलोड करेगा ही वो वाला सीन को। प्रोग्राम शायद खत्म हो गया, सभी धीरे धीरे से रिटर्न जा रहा है घर। सो फाइनली गाइस हम लोग वापस जा रहे हैं, बाकी कुछ काम है नहीं, आया बस दो मिनट सुनने के लिए मिला, दम मारो दम या हरे कृष्ण हरे राम सॉन्ग था। और अभी हम जा रहे हैं मेन गेट से निकलने के लिए, बाइक हमने सेकंड गेट के उधर रखा है, तो मेन गेट दिखाता हूँ गाइस, न्यू इनोग्रेशन हुआ है ना मेन गेट, वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और भीड़ पीछे भी देख पा रहे हो शायद, आगे भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, और इधर ट्रेनर लेके कोई आया था वो भी चला गया है, रिएक्शन लेने के लिए शायद आया था गाइस। फर्स्ट गेट से निकल रहा हूँ एंड क्या ही जबरदस्त गेट बनाया ना भाई, ये चेक करो न्यू गेट गाइस, भयंकर भयंकर लग रहा है, रास्ता इतना ज़्यादा भीड़ है, पूरा टीटा टीटा, अरे रे 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 गिर जाता भी अभी। भाई यार सच बताओ, देव भाई को भी पिलियन मिल गया यार, अपन को नहीं मिला लेकिन अपन सोलो ही जा रहे हैं भाई, इतना महंगा बाइक लेके क्या। ये उल्लू का पट्टा टोटो वाला भैया देख पा रहे हो, ये और एक उल्लू का पट्टा, आजा 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 लगा दे आजा। से नो रेस ड्राइविंग ब्रो, जो जो भी प्रोग्राम में जाते हो ना गाइस, अच्छे से जाओ अच्छे से आओ, मैं तो यही बोलूँगा, बहुत लोग छपड़ी घड़ी करता है, बहुत लोग झगड़ा करता है, तो ये सब प्रोग्राम में जाके मत कीजिएगा भाई। ये देखो भाई, ये देखो क्या कर रहा है भाई, फूल तोड़ लिया भाई, एक लड़की हाथ दिखा के गई भाई, भाई हमको तो जाना पड़ेगा भाई, सब देख रहा है भाई गुड़ गुड़ के, दूध वाला आया है कर लो कमाल, किसी का दूध पीना है क्या बताओ। और ये लड़की शायद था भाई, देख रहे ना फिर से, यही शायद हाथ दिखाया था भाई, पहचान में आएगा कैसे भाई, यही थी भाई। अभी हम ना इधर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे, ओह यार यार ये कितनी ऑसम है यार। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, सुकून का नाम सुना है, हाय हाय। भाई साहब मोए मोए मूवमेंट भाई, देव भैया का जान पहचान का है भाई, लड़की को बोल रहा था हम सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता भाई। भाई चलो यार मेरे साथ ही चलो ना, टाटा टाटा गुड बाय गया बाय, ये सभी होता है क्या। सॉरी किसी को ठेस पहुंचा है तो, बहुत कुछ बोल रहा था मैं ब्लॉग में और भैया के साथ टक्कर ही लग गया था मेरा। सो अभी हम लोग तीन बंदे जा रहे हैं, ड्यूक 250 एंड ये शायद ड्यूक 200 है एंड आफ्टर दैट RC 200 ब्रो। तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट गोयरगढ़ा पहुंच चुके हैं, अभी देखते हैं देव भैया किधर जाता है, निकल जाएगा इधर से। हाँ चलो मिलते हैं टाटा। फाइनली बहुत दिनों के बाद अंकल का दुकान में चाय पीने के लिए आ गए। Yeah.
पहुंच चुका हूँ घर एंड चाय पीने के बाद ना गाइस सौरभ भैया मेरे को कॉल किया, देन सौरभ भैया भी आया यार तेली पड़ा। उसके बाद आग से के हम लोग एंड भाई मैं जो ब्लॉग बना रहा था ना वो बाद में भूल ही गया गाइस। अभी आके मैं क्लिप सब चेक कर रहा हूँ तब सोच रहा हूँ भाई मैं उस टाइम में मतलब दिमाग कहाँ पे था। इतने सारे बड़े बड़े बंदे आए, डुकाटी आया भाई, थोड़ा सा तो मतलब ब्लॉग पे रखने से मेरा एंडिंग पार्ट एकदम सुंदर हो जाता। बाकी यार बैरन भैया से बहुत दिनों के बाद मिले ना एंड बहुत सारा बातें कुछ हुआ, हम लोगों ने प्लान व्लान बनाया एक नया राइड के लिए। 2024 का भाई लॉन्ग राइड होने वाला है एंड उसी वजह से शायद मैं भूल गया था। होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट किसी एड ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।